हेलो गाइस, मैं मेरे दोस्त कुणाल आदर्श हम लोग जा रहे हैं गोगा बाबा टू दौलतवास फोर्ट, वो भी हम लोग जाएंगे बाय वॉक। और आप लोगों को मैं चलते चलते बताऊंगा, हम लोग पहाड़ों में से जा रहे हैं, रोड से नहीं जा रहे, तो हम आपको आगे बताएंगे क्या क्या होता है। ओके, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, मैं कोई व्लॉग बना रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता क्या बात करूँ, ठीक है तो समझ लेना। अगर मैं जिंदगी में कभी ये वीडियो पोस्ट करता हूँ, मैं करूँगा ना वैसे, मैं ट्राई कर रहा हूँ, स्टोरी पोस्टिंग चल रहा है, अब ये स्टोरी पोस्टिंग होने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तर आमची फाटलेली आहे चांगल्याच प्रकारे, आम्ही बऱ्याच दूर आलेलो आहे, मी आदर्श, आदर्शला बिबट्यांचे डोळे पण दिसले आता, चालता चालता कुठे आदर्श, आदर्श म्हणतो बिबटे आहे का म्हणून, आणि कुणाल तर म्हणतो की भैया पुढे चाल, सगळं तुझ्या हातात आहे आता, आणि आम्हाला रस्ता पण माहीत नाही ऍक्च्युली, आम्ही चाललोय या एकदम घाणफाड जागा आहे, एक टक्क्यात जाऊ नका। बेअर ग्रिल्स आहे, बेअर ग्रिल्स किती हे असेल ना, तो दहा जणांसोबत फिरतो माहिती का, त्याच्यापेक्षा आपण अनसेफ, तो खूप सेफ आहे, खूप म्हणजे खूप सेफ आहे। बियर बिल जो है पूरी सेफ्टी के साथ चलता है, ठीक है। हम लोग चले बस एक लकड़ी लेके, वो भी टूटे वाली, वो भी लकड़ी मतलब जल जाएगी, मतलब उसको एक माचिस की तीली जला देगी, इतनी कमजोर लकड़ी है वो। और ये बहुत खतरनाक जगह है, आप देख भी नहीं पाओगे, इतना अंधेरा है। हम लोग चलते जा रहे हैं, ये आपको मैं, हम इधर गु बोलते हैं गोबर को, तो गोबर का गु दिखा रहा हूँ तुमको। नहीं रे भैया, आप लोड नहीं करना, मेरा है का ड्राइवर से करूं टाइम। बियर ग्रिल्स, रियल लाइफ बियर ग्रिल्स, बियर जूनियर लाइफ बिगर बियर ग्रिल्स, निखिल एंड आदर्श एंड कुणाल, वी आर पड़े ना, हां कुणाल इज घोरपड़, कुणाल और, हां कुणाल औरंगाबाद की घोरपड़ है, घोरपड़ एक कीड़ा, कीड़ा छिपकली होती है, टाइप ऑफ लेपर्ड, हाँ एक छिपकली होती है जिसको घोरपड़ बोलते हैं, वो अगर किसी चीज़ को पकड़ लेना वो छोड़ती नहीं है जब तक उसका मन ना करे, आपको आप उसको छुड़वा नहीं सकते। तो हमारे सीनियर बियर गर्ल्स, जूनियर बियर गर्ल्स और बच्चे की होड़ फिर से आ गए हैं अपने व्लॉग पर, हम लोग दौलताबाद के पास में आ गए एक्चुअली, और वो भी 5-10 किलोमीटर, अभी 5 किलोमीटर दूर है शायद। हाँ वी आर कन्फ्यूज, अरे लुक एट द बैकग्राउंड, दिस वे यू कैन सी औरंगाबाद एंड इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ बिग बिग पहाड़ विच वी हैव टू क्लाइम। तो हम लोग पहुंच गए दोस्तों, ये आज का हमारा एडवेंचर, हमारे बियर ग्रिल्स आदर्श कोसरे साहब, सेल्फी कट हुई है, कुणाल साहब और हम बच्ची घोरपड़। तो अब मैं पार्ले जी का वेट कर रहा हूँ, आदर्श जी की स्टोरी जब अपलोड हो जाएगी तो हम पार्ले जी जाएंगे। आप स्टोरी अपलोड कर लो सर, मैं सार्केस्टिक वे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बस। अजून दोन दर अरे खाओ, नहीं एवढं नाही खाणार एवढं धर पहिले। तो दोस्तों क्या आपको पार्ले जी पसंद है? जो ये बंदा है, ये पार्ले जी, ही लव्स पार्ले जी। गाइस पार्ले जी इज द बिस्किट माय ग्रैंडफादर यूज टू बाय, grandfather, my father's father used to buy for me, and I love this biscuit. I have some awesome memories. Guys, we have found a paragon chapel over here, and we saw a cheetah today, and that cheetah ate that woman. So this place is like, you can see. And we have our motivator, Mr. Kunal.
हाय। हम लोगों ने ये पहाड़ इसलिए चढ़ा कि हम लोग इस तरफ जा सके, इस तरफ। पर क्या है ना, हम लोग इस तरफ जा नहीं सकते। दरी को क्या, दरी क्या बनता है हिंदी में? दोस्तों, आपके लैंग्वेज में, हिंदी में जो भी कुछ बोलते होंगे दरी को, इस तरफ है ना पहाड़ की खाई है। खाई खाई बोलते हैं भाई, खाई बोलते हैं। तो इस तरफ खाई है एंड हम लोग सोच रहे कि हम लोग उधर जाके हागे भी और नहाए भी, तो हम लोग उधर से जाना पड़ेगा भाई। देख ले गाइस, मैं बोल रहा हूँ, आप हम लोगों के साथ आइए। यू कैन कॉल अस कैंप फ्लाय, यू कैन कॉल अस पाथ फाइंडर, वी हैव आवर बच्ची गोड पर ओवर देयर। दिस इज बियर ग्रिल्स एंड आई एम जूनियर बियर ग्रिल्स विद आदर्श खोसरे एंड अ लिटिल चैम्प कुणाल। हम लोग आ गए। ये जो सामने काम दिख रहा है, क्या मालूम आपको दिख रहा है भी या नहीं, पर ये जो काम चल रहा है एक हाईवे का चल रहा है, उसका नाम है समृद्धि हाईवे, जो औरंगाबाद से जा रहा है। ठीक है, हम लोग अभी बहुत दूर है, जितना हमने इजी समझा था ये उससे बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैं बिंदास काव्या की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ठीक है, अच्छी कर लेता हूँ। टुडे टू वॉक, नॉट वॉक, नॉट टू वॉक, टू रन। ओए, आई थिंक वी शुड गेट। मज़ा आ गया यार, ऐसे मज़ा आ गया। ट्रक की सवारी फ्री में, वो भी हाई वाला डायरेक्ट। Guys, man, we got another ride. This is so thrilling, but not safe. But we are going to save our time. Hana, our friend Adarsh, उसने क्या कर दिया मतलब, उसने लगाया था अपने बम्प पे अपना स्वेटर, तो उस पर वो बैठ गया अभी, और वो अभी रिग्रेट कर रहा है क्यों बैठा मैं। ये राइड ऐसी कि आप इसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते। ये हमको अभी मिलेगी दौलताबाद तक राइड। ठीक है, तो हम अभी फोटो शूट खेलने वाले हैं भाई। ये राइड बहुत बहुत थ्रिलिंग है यार, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। ये एक्सपीरियंस जो है हम लोगों का, ये बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है। आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हम लोगों ने क्या क्या किया है आज। हम हिच हाइकिंग करके आए हैं, हम पहाड़ चढ़ के आए हैं, और एक नहीं दो नहीं, हमने 3 से 4 पहाड़ चढ़े, और कम से कम हमने 8 किलोमीटर पहले पहाड़ चढ़े। बाद में पहाड़ उतरने के बाद हमको राइड मिली है, और हमारा प्लान था ट्रेकिंग का, पर हम लोग आए हैं, हमको लिफ्ट नहीं ली, तो हमने सोच लिया कि चलो कर लेते, क्योंकि वी आर टायर्ड एंड वी डोंट हैव फूड एंड वी एक्चुअली वांट बियॉन्ड फूड। तो ओके, हम लोग आ गए हैं। हम लोग अभी दौलताबाद फोर्ट के पास में हैं। आप आपको शायद पीछे दिख नहीं पाएगा, हाँ अभी आपको दिख रहा है, ये जो है ये दौलताबाद फोर्ट है, जिसको देवगिरी नाम से जाना जाता है। हम लोग अभी आए हैं, हम नाश्ता करेंगे पहले थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी किला चढ़ने तो वाले हैं, जैसे आदर्श ने बताया। अब हम लोग रिक्शा में बैठेंगे और हम लोग जाएंगे। तो आदर्श अभी खा रहा है पूरी मिसल पाव और कुणाल और मैंने, हम दोनों ने एक ही मंगवाया है, आलू पराठा। हमारे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, पर हम लोगों ने बोला इसलिए भाई को आना था हमारे साथ में, इसलिए वो आया। वो नहीं आता था अगर कोई मतलब हम उसको पूछते नहीं थे तो, और उसको पूछा और बीमार था और फिर भी आया। तो मतलब परसों ही गोवा से आया, 5 दिन का ट्रिप करके, उसमें उसने बहुत सारा गाड़ी चलाया अकेले ने। 10 days 4,700 किलोमीटर, 10 दिन में 4,000 से भी ऊपर किलोमीटर गाड़ी चला चुकाई है, तो मतलब मजाक नहीं है, और उसमें बीमार भी है। और आज हमारे साथ इसमें कम से कम 8 से 9 किलोमीटर का हाइक किया, और हाइक भी ऐसा नॉर्मल लोड नहीं था, हॉरिजॉन्टल लोड नहीं था, ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा पहाड़ चढ़े हमने, बाद में उतरे हैं बहुत ज़्यादा पहाड़ उतरे हमने, तो बहुत मज़ा आया। और हमने आज कुछ ऐसे ऐसे जगह एक्सप्लोर किए जहाँ पे आप लोग आना चाहोगे और देखना चाहोगे आना था। आप वहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो, जहाँ से मेरी उंगली गई, इसका पैर गया, बहुत लगी है, चाहे तो हमारी जान भी जा सकती थी। शास्त्र में जान जा सकती थी, क्योंकि वो हाथ पे जो पहाड़ पे जो पत्थर थे वो ढीले थे, अगर हाथ में आ जाता हम सीधा नीचे खाई में और मर जाते। हाँ ना,
त्यानंतर मग आपण खरंच उतरू लागलो तिथे असं काढायचं होतं मला. We need GoPro guys. Actually, ते पण तुला.